दोस्तों क्या आपको पता है कि टोटल 4 कवि गुरु एक्सप्रेस है। आप लोग अगर चाहे तो कटिहार के पूरी सब्जी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। पूरी सब्जी आ चुका है, ये है लिट्टी चोखा, पापा अभी अभी लाए हैं। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने पहला पार्ट देखा था हमारा गुवाहाटी से बिहार तक जाने वाला ट्रेन जर्नी का, ये है उसका सेकंड पार्ट। आशा करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। तो बिहार में राहुल स्वागत बा। लगभग कितना दिन बाद आएंगे पापा बिहार? 8-9 महीना के बाद हम लोग वापस बिहार जा रहे हैं। लगभग मोटा मोटी 1 साल हो गई लाखों बिहार गए लास्ट, फिर बिहार जाके अच्छा लगे। गोड ठीक रही तब भोजपुरी चैनल पे भी कुछ ब्लॉग बना कर डलती, लेकिन गोडे ठीक नहीं क्या करें भाई। हम लोग अभी कॉफी ले रहे हैं, कॉफी सबको कॉफी पीने का बहुत मन था, बहुत। हाँ वो बात तो है। अच्छा नाम दिया लेकिन इंग्लिश चाय खाली पानी है, दूध नहीं है इसमें, पानी है इसमें, सिर्फ पानी। पानी वाला कॉफी पी रहे हैं हम, उसमें थोड़ा सा अमूल पाउडर मिक्स किया गया है, पीते ही पता चलता है सच्चाई क्या छुपाया आपसे। 10 रुपये ऐसे ही क्या? दोस्तों क्या आपको पता है कि टोटल 4 कवि गुरु एक्सप्रेस है। सीरीज ऑफ जो कवि गुरु एक्सप्रेसेस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में ममता बनर्जी के द्वारा, हमारी प्यारी दीदी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था राज्य रानी एक्सप्रेस जो है उसके साथ में। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है विकिपीडिया से, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, कवि गुरु सीरीज ऑफ ट्रेन वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे इन 2011 फॉर फर्स्ट टाइम टुगेदर विद राज्य रानी एक्सप्रेस। दे वर इंट्रोड्यूस बाय रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस ममता बनर्जी इन ऑनर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देयर वर 4 ट्रेन्स प्रपोज इन द बजट टू ऑपरेट एज पार्ट ऑफ सीरीज। और इसको कवि गुरु एक्सप्रेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ट्रेन को रविंद्रनाथ टैगोर जी के रेस्पेक्ट में नाम दिया गया है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मैं सोचा था कि आप लोग को सुन के अच्छा लगेगा। दोस्तों तो वो देखिए वहाँ पे एक जो लाइन गई है आई थिंक वो पूर्णिया तक जाती है वो लाइन, और हम लोग अभी कटिहार के आउटर में हैं। दोस्तों वो देखिए हमारे पीछे आप उधर पे देखेंगे एकदम लास्ट में आम्रपाली एक्सप्रेस जो है जो कटिहार से अमृतसर के बीच में चलती है, उसका कोचेस रखा गया है। आई थिंक वो वॉशिंग के लिए रखा गया है, एकदम साइड में है। मुझे नहीं पता आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन वो आम्रपाली एक्सप्रेस की कोचेस है। कटिहार में डाउट स्वागत बाटे। भाई बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाकर एक बार थोड़ा सा खुला सांस लूं। स्टेशन में उतरने का मन कर रहा है लेकिन चाह के भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। भाई क्या ही करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बुरा लगता है भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ, दिल से लगता है भाई। फिलहाल पापा नीचे गए हैं, यहाँ का पूरी सब्जी जो है कटिहार का पूरी सब्जी मुझे काफी अच्छा लगता है। और मैं जितना बार भी कटिहार आया हूँ ना, यहाँ का पूरी सब्जी हमेशा मैंने टेस्ट किया है एंड मुझे तो काफी अच्छा लगता है। आप लोग अगर चाहे तो कटिहार के पूरी सब्जी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है भाई, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पूरी सब्जी जरूर ट्राई करना है, क्योंकि अच्छा होता है, मेरे हिसाब से अच्छा होता है और मैं हर बार खाता हूँ भाई। और ऐसा है कटिहार आया सुबह के टाइम में तो पूरी सब्जी खाना मेरे लिए तय है, ये मेरा फिक्स शेड्यूल है। शेड्यूल बोल लीजिए या फिर कुछ और बोल लीजिए, लेकिन मतलब हम जब भी आते हैं कटिहार तो पूरी सब्जी खाते हैं बिकॉज आई लव पूरी सब्जी ऑफ कटिहार। दोस्तों तो देखिए हमारा पूरी सब्जी आ चुका है, हम तो नीचे जा नहीं सकते, पापा ने ला दिया पूरी सब्जी, अभी इसको खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा स्वाद है। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक ही होना चाहिए, जितना मैंने खाया है आज तक उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ये है लिट्टी चोखा, पापा अभी अभी लाए हैं। पहली बार लिट्टी चोखा खाते हैं बिहार, इतना बार रहने पहली बार लिट्टी चोखा खाते हैं। हमारा डिपार्चर भी हो गया कटिहार से। सोयाबीन थोड़ा खट्टा खट्टा था,
बताइए टाइट पूरी और कुछ पूरी अभी अभी चना हुआ है और कुछ कुछ पूरी पहला वाला मतलब मिक्स करके दिया है हड़बड़ी में क्या करें जर्नी में ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। दोस्तों तो हम लोगों ने अपना खाना पीना कंप्लीट कर लिया है, सुबह का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और सच बताओ इस बार जो पूरी सब्जी हमने खाया ना कटिहार का वो वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। कुछ पूरी अभी अभी गरम गरम तली हुई आई थी और कुछ पूरी पहले वाले थे, पहले वाले पूरी और अभी वाले पूरी दोनों को मिक्स करके दिया और जो सोयाबीन था वो भी मतलब बासी था। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो खाना ठीक ठाक नहीं था, मतलब काम चलाओ टाइप था। अगर आप पूछे कि मैं रेटिंग कितना दूँ तो भाई मैं 4.5 दूंगा आउट ऑफ 10 रेटिंग, क्योंकि इस बार का खाना उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं कोसी नदी। दोस्तों तो हम लोग अभी नौगछिया रेलवे स्टेशन एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी नौगछिया पहुंच चुके हैं एंड इसका करेक्ट जो अराइवल टाइम था वो था 8:37 बट हमारी ट्रेन यहाँ पे 9:57 में हमें पहुंचाई है एंड यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और जब से यह ट्रेन बिहार में घुसी है ना तब से बैलगाड़ी के जैसे चल रही है, हर एक स्टेशन में रुक रही है, आई डोंट नो व्हाई बट ये क्यों हो रहा है भगवान ही जाने। तो एकदम करेक्ट टाइम से हमारी ट्रेन नौगछिया स्टेशन से निकल चुकी है। दोस्तों तो हमारी ट्रेन अभी पहुंचने वाली है खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये देखिए हमारे सामने से अवध असम एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। भाई इस ट्रेन को देखा हुआ कितना दिन हो गया, बहुत ट्रैवल किया करता था इस ट्रेन से। अगर आप लोग को इस ट्रेन का जर्नी देखना है तो कमेंट करना, इस ट्रेन का भी जर्नी लेके आ जाऊंगा मैं। और अभी भी फुल ही जा रही है। यहाँ पे अराइवल टाइम था 9:29 को लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे 10:57 को पहुँचाई है। और देखिए देखते देखते इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर भी हो गया। अच्छा अच्छा हट जाओ, वो देखिए इसको क्या बोले हम अभी रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं, अरे खेत समझ कर बैठे हो का। तो फिलहाल हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये देखिए वो देखिए वो देखिए लोगों को देखिए, मतलब रेलवे ट्रैक के बीच में आ गए हैं भाई। ओवर ब्रिज है वहाँ पे बनाया हुआ, सरकार ने ऐसे ही बनाया कि ओवर ब्रिज जो रेलवे ट्रैक के बीच में आना ज़रूरी था इन लोग को। यार क्या बोलूँ मैं, इधर देखिए तो सही, बाप रे लाइन से पूरा भीड़ लगा हुआ है, सब लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन अगर स्पीड में गुजरती है और किसी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है बड़ौनी रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन फिलहाल निकल रही है बड़ौनी जंक्शन से। सो यहाँ से अब 2 घंटा लगने वाला है हमारा डेस्टिनेशन पहुंचने में, होपफुली जल्दी पहुंच जाए। लेकिन एक चीज़ का लफड़ा लग रहा है, मुझे टेंशन लग रहा है, पता नहीं मैं नीचे कैसे उतरूंगा यार। एक समय था मैं दौड़ दौड़ के उतर जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था, सामान भी उठा लेता था, अब चलना ही मुश्किल हो गया। दोस्तों हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं बछवाड़ा जंक्शन। यहाँ से एक लाइन है जो सीधा हाजीपुर में मिलती है, तो बहुत सारे जो ट्रेन है यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं और यहाँ से और एक लाइन है जो मुजफ्फरपुर होके फिर हाजीपुर में मिलती है। तो मतलब यहाँ से 2 ट्रैक्स गए हुए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन रुकती नहीं है यूजली, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस सेक्शन का। मेजर जो भी ट्रेन है जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी एक निकलती है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस निकलती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेन यहाँ से निकलते हैं। जो ट्रेन पाटलिपुत्र जाते हैं वो भी इसी ट्रैक से निकलते हैं, इसी लाइन से निकलते हैं एंड हम लोग अभी चल रहे हैं मुजफ्फरपुर वाली लाइन पे। दोस्तों तो हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड यहाँ से सिर्फ 1 घंटा बच गया है हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। दोस्तों तो देखिए हमारा समस्तीपुर में जो अराइवल टाइम था वो था 12:06 पे, लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे थे 1:41 पे और यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों तो हमारी ट्रेन फिलहाल निकल चुकी है समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से। अच्छा अच्छा
मुजफ्फरपुर में है। स्टेशन का बाहर निकल के मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि अभी स्टेशन का बाहर निकलना ही सबसे बड़ा मुसीबत है। भाई साहब भीड़ देखिए, नया प्लेटफॉर्म का काम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी यहाँ पे भी हम लोग को उतरने को मौका मिलेगा। और ये देखिए हमारे ट्रेन का डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है, हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। फाइनली बाहर आ चुके हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से, एंड ये चीज़ बहुत टफ है यार, पापा को बहुत तकलीफ हो रहा है यार। सो तो हम लोग निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर से, रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर अपने गांव। अभी हम लोग रुके हुए कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, थोड़ा आगे रुक के एक ढाबा में मस्त भोजन करेंगे। उसने अपना गाड़ी का मोबिल चेंज नहीं कराया, शायद उसका गाड़ी से इतना धुआं निकल रहा है। इन सारे ड्राइवरों का मतलब हिम्मत देखिए, विदाउट हेलमेट एकदम चलाए जा रहे हैं गाड़ी को, कि क्या बोले, आगे वाला जो ड्रो ड्राइवर है वो लोग भी गाड़ी चलाए जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। इनको देखिए, ये देखिए, वाह भाई, आओ कबो गुवाहाटी में पता चली। बोला दोस्तों, तो हम लोग अभी बैठे हैं एक ढाबा में, हम लोग अभी वापस घर जा रहे थे तो भूख लगा था, क्योंकि ट्रेन में कुछ खाना पीना ठीक से हुआ नहीं था। हमारी ट्रेन 2 बजे के आसपास पे हमें छोड़ी है, 2:30 के आसपास में हम लोग उतरे हैं मुजफ्फरपुर में। हम लोगों ने एक गाड़ी लिया जो हमें हमारे गाँव तक छोड़ेगी, एंड फिलहाल अभी हम लोग रुके हुए हैं बजरंगी ढाबा में, खाना वाना ठूसते हैं अपने पेट पे, उसके बाद में फिर निकलते हैं अपने गाँव की तरफ। और ये चीज़ का भाई बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ये चीज़ नहीं होता ना, पर मिला हुआ अगर वो वीडियो देखा था नहीं ना, बहुत बहुत शुक्रिया ये चीज़ का, हुआ को बहुत थैंक यू बोलना पड़ेगा, उन्होंने ये चीज़ जो दिया है ना उसका से चलने में बहुत आसानी हो रहा है। इस तरफ गौर फरमाइएगा, वो ऊपर में दिखा गया है योर स्पीड, मतलब मैंने पहले इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन बिहार में ये चीज़ बहुत सही किया है यार, स्पीड डिटेक्टर मशीन लगा के रखा है, साथ में कैमरा भी लगा के रखा है यार। दिस इज़ गुड मैन, दिस इज़ गुड। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बिहार में इतना कुछ होगा। हमारा खाना आ चुका है, और यहाँ पे देखिए ये है चिकन एंड ये है पनीर, तो फटाफट इसे फिनिश करते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बीकाजी का इंडस्ट्रीज सेटअप होने वाला है, आप वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीकाजी इंडस्ट्रीज आने वाली है, विच इज़ अ गुड न्यूज। तो यहाँ पे पहली बार एक कॉर्पोरेट को आते हुए देख रहा हूँ, वो भी किसी गांव में, तो बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलने वाला है, एंड इस एरिया का फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होगा एंड बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। बोला दोस्तों, तो ये था इस व्लॉग का सीरीज का एंड, सबसे लास्ट पार्ट। आई होप कि आप लोग को पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जाके पहला पार्ट भी देख लेना ज़रूर, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन, दिस इज उदेश दास सिंगिंग ऑफ ऑल द वे फ्रॉम माय होम टाउन बिहार, बाय बाय। Yeah.